गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये मैंने मॉर्निंग में नहा के तो महादेव सब बनाने थे, तो वो सब बना के हो गए थे। एक बार मॉर्निंग में मैं नहाई, फिर महादेव सब बनाने के बाद मिट्टी लग गई थी तो पूरे सब करके उसके बाद फिर मैं साड़ी उड़ी पहन के फिर मैं तैयार हो गई, फिर तब ये लुक है मेरा। और ये छोटी यहाँ पे है, छोटी ये साड़ी सब पहन के तैयार हो गई थी। ये देखिए तो महादेव यहाँ पे बन रहा है। ये चंद्रमा, ये पार्थिव, ये इनके बिना पूजा नहीं होता। और यहाँ पे मॉर्निंग में हम दोनों सास बहू मिलके महादेव बना रहे थे शिवलिंग, क्योंकि जल अभिषेक रुद्राभिषेक था तो महादेव बना रहे थे। सबके कने उमर करी मम्मा, क्या मम्मा क्या कर रही है? आराम से देखो देखो तो पूछ जे जे बाबू हट जाए कने नहीं है छोड़ूंगी देखो ठीक है बहुत सुंदर है आरो बहन है कने हां क्या हो क्या बेटा अच्छा लग रहा है बस भाव गए सब काज हो गए किसको कहते हैं। और यहाँ पे ये नहा के सभी तैयार हो गए थे, उसके बाद पंडित जी आ गए थे, वो तैयारी चल रही थी। और पंडित जी ये थे पापा जी सब, मतलब मिथिला में होता है कि सब पीला धोती कुर्ता चाहे धोती गमछी कुर्ता ये पहन के हो जाता, तो वही पंडित जी बता रहे थे कि ये सब ऐसे करना चाहिए ये। और उसके बाद ये पूजा पे बैठ गए थे, और यहाँ पे बाबू भी थे और दोनों बाबू भी पूजा पे बैठे थे। सभी लोग घर में फास्ट किए हुए थे तो पूजा पे सभी का अनुमान था। और आज यानी कि मतलब कुछ खा और इसके बाद यहाँ पे पापा जी मम्मी बुआ जी थे, तो ये तीनों आदमी अभिषेक अभी कर रहे थे, और क्योंकि बहुत टाइम लगता है रुद्राभिषेक में। और रुद्राभिषेक में बहुत ही ज्यादा इसका मायने फल बहुत ही होता है। और इसमें ना मतलब अभिषेक से होता है, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, और फिर गन्ने के रस से, फिर जितने फल होते हैं वो सबसे भी होते हैं। तो वो धीरे धीरे तो उनका मंत्र करते और पढ़ते, पंडित जी को बहुत टाइम लग गए थे, और वो पाठ करते करते मतलब कम से शाम हो गई थी। तो अभी ये कर लिए थे, उसके बाद पापा मम्मी जी किए, फिर बुआ जी किए, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था पूजा का। और बहुत ही अच्छे से पंडित जी पूजा करवा रहे थे। गुसाना नहीं, फाइल करना है। और यहाँ पे अभिषेक अब ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद सबकी अभिषेक हो चुकी थी, पापा जी भी कर लिए, ये भी कर लिए, बुआ जी भी हो गया। उसके बाद अब आरती की बातें हो रही थी, क्योंकि उससे पहले जितने दूध ही सब रहते सब उसमें ढला जाते, तो अब आरती की तैयारी चल रही थी। और उसके बाद आरती होती, फिर उसके बाद 70 रक्षा सूत्र से बांधा जाता है वो सब होता, उसके बाद फिर ले पापा को भी देना।
अरे भगवान ले चुहिया को भी दिला आरती पंडित जी के उठाकर माथे में लगा लिया यहाँ पे पूजा आरती सब होने के बाद पंडित जी खोइंच दे रहे थे तो वो मैं ले रही थी, उसके बाद छोटी को बुला रही थी कि वो भी खोइंच ले ले क्योंकि ये हम लोग में होता है। उसके बाद अब हम लोग की एंट्री किचन में हो चुके थे क्योंकि पंडित जी और सभी के खाने का, तो यहाँ पे बन रहा था, छोटी बना रही थी खाना, कचौड़ी और आलू परवल की सब्जी, तस्मय पुलाव, दाल, सलाद और यहाँ पे वही सभी क्योंकि अब बहुत ही शाम हो चुकी थी, 6 बज चुकी थी। और उसके बाद मेरी दोनों देवरानी जेठानी की हंसी मस्ती चलती रहती है और यहाँ पे खाना बना कर उसके बाद पापा जी बोल रहे थे कि बहुत लेट हो गया क्योंकि पापा जी का भी तबीयत नहीं ठीक रहा, डायबिटीज़ है और बउआ को भी बाबू को भी भूख लगी थी क्योंकि एक सुबह से सभी फास्ट में थे। तो उसके बाद हम दोनों ने पूजा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मन प्रसन्न हो गया पूजा से। और इसके बाद इधर मम्मी भी बोल रही थी कि जो कि बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि पूजा पाठ है कि घर में होता है तो सभी का मन ना बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। और उसके बाद जितने मतलब थे सभी को भी, और छोटी बोले दीदी आपका तो फास्ट है आपको तो खाना नहीं है, और यहाँ पे बोले कि हाँ मुझे तो खाना नहीं है, और इधर पापा जी और बुआ जी और पंडित जी थे तो उन लोग को सभी का खाना बोले पापा की निकाल दो आप तो हो चुकी थी खाना इधर। और तो छोटी बोली दीदी मैं आपके लिए चाय पानी सब बना देती हूँ पी लीजिए। तो उसके बाद मैं बोले नहीं पंडित जी के पहले खिला दो वो खाना खा लेंगे उसके बाद तो फिर तब हम पानी सब पीएंगे। और इस पर पता नहीं क्या हो गया था, ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी, जब रिकॉर्डिंग सब कर ली तो देखी जाए उस पर आवाज़। और एक तो क्या मैंने 4-5 बार इसको अपलोड की तो भी कॉपी राइट थी, मैं किसी में कुछ भी कॉपी राइट नहीं है वो भी आ जाता था, इससे और ज़्यादा मैं परेशान हो गई। उसके बाद मैं छोटी की चलो बाद ही में ये ब्लॉग में डालूँगी तो मैं अभी ब्लॉग ना डाल रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही पता नहीं क्यों प्रॉब्लम। अब हो गई पूजा समाप्त, अब हम लोग जा रहे पंडित जी को खाना खिलाने, छोटी पूरी बना रही है और यहाँ पे बना है तस्मय और आलू परवल की बिना लहसुन प्याज की सब्जी और यहाँ कचौड़ी निकल रही है और जीरा फ्राई राइस नहीं दाल सलाद ये सब। तो आप लोग ये देखिएगा ब्लॉग और कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैं अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ही सबको खाना बना खिलाऊँगी, बहुत पूजा उजा की सब पूरे ब्लॉग आएंगे तो आप लोग जरूर देखिएगा बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। क्या छोटी छोटी बाय।